Hello friends, myself Dr. Sushila Saini, gynecologist and obstetrician, director Jaipur Durbin Hospital. सभी को महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं बधाई देना चाहूंगी और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न जागरूक प्रोग्राम जो किए जा रहे हैं उसी के अंतर्गत आज हम आपसे सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपने बहुत सारा सुना होगा कि सर्वाइकल कैंसर के लिए प्रिवेंटिव चेकअप कैंप लग रहे हैं, पहले जल्दी डायग्नोज करने के लिए, जल्दी पता करने के लिए बहुत सारे टेस्ट फ्री में उपलब्ध हो रखे हैं। अभी 3-4 दिन से कई जगह कैंप लगे हुए हैं और हमारे भी हॉस्पिटल में कैंप चल रहा है और आज 8-5 बजे तक आप टेस्ट फ्री करवा सकते हैं। सबसे पहले हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि सर्वाइकल कैंसर आखिर है क्या। सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी के मुख पर होने वाला कैंसर है जिसे सर्वाइकल कैंसर के नाम से जाना जाता है या बच्चेदानी का ग्रीवा कैंसर भी बोला जाता है। भारत में प्रति वर्ष अराउंड 1 लाख के आसपास महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित होती है, डायग्नोज होती है, पता चलता है और उनमें से करीब 60,000 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बीमारी है और सर्वाइकल कैंसर में भारत टॉप नहीं करता पर एक पायदान नीचे है। सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है भारत के अंदर सर्वाइकल कैंसर। और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हर 8 मिनट के अंदर एक महिला की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर से हो जाती है। और ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि जो एक वायरस के कारण होती है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं, जिसके कारण ये बीमारी होती है। और आपको ये जानकर बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीन से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आप समझिए कि जानकारी होना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये पता चलता है कि सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए वैक्सीन अवेलेबल है और 2 या 3 डोज लगती है, गर्ल्स में 9 से 15 साल की लड़कियों में 2 डोज लगती हैं और 15 साल से ऊपर की लेडीज में 3 डोज लगती हैं, तो आप इस कैंसर से 85% से 90% तक बचाव कर सकते हैं और बहुत ही रीजनेबल रेट्स में अवेलेबल है और हर गायनिकोलॉजिस्ट के पास अवेलेबल होगी। तो आप इस सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवा सकती हैं और अपने आप का और अपने परिवारजनों का बचाव कर सकती हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि हम पता कैसे लगाएं कि कहीं हमें सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है। तो कुछ लक्षण होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि महिला को सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना कितनी है, जिसमें मुख्य जो कॉमन सिम्टम्स हैं उनमें सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम है पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग का होना, यानी संभोग के बाद योनि से ब्लीडिंग होना या रक्तस्राव होना। दूसरा कॉमन है कि बहुत ही गंदा बदबूदार पानी जाना। तीसरी चीज होती है कि अगर डॉक्टर ने आपका एग्जामिनेशन किया है, नीचे से देखा है और उसके दौरान आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, यानी कि इसको हम बोलते हैं कि टच ऑन ब्लीड। टच ऑन ब्लीड का मीनिंग है जब भी सर्विक्स को यानी बच्चेदानी के मुंह को छुआ जाता है या टच होता है तो वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बच्चेदानी के मुंह पे कैंसर के कारण घाव बन जाते हैं या ऐसी कोशिकाएं होती हैं कि जिनसे टच करने पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और इन्हीं घावों में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो मवाद बनने लगती है, वो बदबूदार गंदा पानी नीचे निकलने लगता है, जिससे कि पता चलता है कि देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ सर्वाइकल कैंसर। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका महीना जा चुका है या आपका महीना जा ही नहीं रहा है, और अगर महीना जा चुका है और जाने के बाद वापस से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, यानी कि पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं, मीनोपोज होने के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसे हम पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं, और पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ अगर गंदा बदबूदार पानी आ रहा है तो बहुत ज्यादा इंडिकेट करता है कि सर्वाइकल कैंसर होने की काफी ज्यादा संभावना है। तो अगर आपको इन चीजों में से कुछ भी लगता है कि आपको ये सिम्टम फिट बैठता है तो आप अपनी जांच जरूर करवाइए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से अपना चेकअप जरूर करवाइए और पता लगाइए कि कहीं सर्वाइकल कैंसर तो नहीं बन रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि टेस्ट क्या करवाना है। बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिसे पैप स्मेयर के नाम से कहते हैं। पैप स्मेयर जब भी आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं तो वो आपको सजेस्ट भी करती हैं, और किसी महिला को अगर कोई सिम्टम नहीं है तो भी ये जांच प्रिवेंटिव तौर पर यानी कि सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए भी करनी चाहिए, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो शुरुआती अवस्था में पूर्णतया इलाज किया जा सकता है, पूर्णतया उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही इसका स्टेज क्रॉस होता है, 3rd या 4th स्टेज में पहुंचती है तो इलाज हो जाती है। तो अगर आप अपना जांच समय पर करवाते हैं और अपना ये जांच आपको समय पर पता चल जाता है कि कहीं कैंसर है तो आप उसका इलाज करवा सकती हैं और पूर्णतया बीमारी मुक्त हो सकती है।
तो पैप स्मियर का टेस्ट बहुत ही आसान तरीके से होता है, सिर्फ 2 मिनट लगती है, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी दर्द के ये जांच होती है। डॉक्टर जैसे आपका गायनेक चेकअप करती है उसी समय पैप स्मियर वो ले लेती है और उसको जांच के लिए भेज दिया जाता है। 1 से 2 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाती है। पैप स्मियर भी 2 तरीके का होता है, कन्वेंशनल पैप स्मियर होता है, कन्वेंशनल टेस्ट ये होता था कि जिसमें एक स्पैचुला से लकड़ी की पतली से डंडी से सर्विक्स के मुंह से कुछ कोशिकाएं खुरच ली जाती हैं और ग्लास के ऊपर फैलाकर उसको फिक्स कर दिया जाता है, जिसको कन्वेंशनल पैप स्मियर स्लाइड टेस्ट बोलते हैं। लेकिन आजकल मॉडर्न तरीकों में लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी आ गई है, जिसे LPC बोलते हैं। ये थोड़ी कॉस्टली जरूर होती है, बट इसके रिजल्ट उस वाले टेस्ट से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो अगर आपको चुनना हो तो एक टेस्ट आप LPC टेस्ट चुन सकती हैं, जिससे कि आप ज्यादा सेंसिटिविटी से ज्यादा अच्छे तरीके से आपको पता चल पाएगी कैंसर की कितनी संभावना है। इसके अलावा HPV DNA टेस्ट भी होता है, जिससे भी सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना का पता लगता है। तो अब आप ये जान चुके हैं कि सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या है और इसका टेस्ट क्या है। अगर आप बाई चांस आपको किसी कारण डायग्नोस होता है कि सर्वाइकल कैंसर है, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एक बच्चेदानी का दूरबीन से ऑपरेशन होता है, जिसको रेडिकल हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं, जो नॉर्मल हिस्टेरेक्टमी यानी जो नॉर्मल बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है निकालने वाला, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन दूरबीन से संभव है और मात्र 2 दिन में या 3 दिन में अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। बहुत ज्यादा कोई परहेज नहीं होता है और बीमारी पूर्णतया दूरबीन के द्वारा साफ कर दी जाती है। उसके बाद बहुत ज्यादा कोई संभावना काफी कम रहती है अगर स्टेज 1 स्टेज 2 है तो, लेकिन अगर ये स्टेज 3 स्टेज 4 है तो फिर ऑपरेशन की संभावना नहीं होती है। फिर उसमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी हमें पहले लेनी पड़ती है, उसके बाद अगर पॉसिबिलिटी होती है तो ऑपरेशन किया जा सकता है, अगर आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो। लेकिन मेरा यही मानना है कि बचाव ही इलाज है, और सर्वाइकल कैंसर में अगर बचाव कर लिया तो उसका निदान है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में पूर्णतया इलाज है और अगली स्टेज में लाइलाज है। तब आप जान गए होंगे और समझ गए होंगे हमारे इस वीडियो के द्वारा कि सर्वाइकल कैंसर को पता करने के लिए आपको सिंपल सा एक पैप स्मियर टेस्ट करवाना है, दैट्स ऑल। और आपको पता होना चाहिए कि पैप स्मियर जब एक बार करवा लेते हैं तो ये 3 साल तक वैलिड है, तो आपको 3 साल के बाद ही रिपीट कराना है। तो बहुत बहुत इजी तरीका है सर्वाइकल कैंसर से बचने का, और अपने बच्चियों को, बहनों को या छोटी लड़कियां हैं घर में, तो उनके वैक्सीन जरूर लगवा दें ताकि आगे भविष्य में उनका इससे बचाव हो सके। मैं समझती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।